2500 का 3 पीस जी। ओह ये तो बहुत ही लाइट वेट है। फाइनल प्राइस इसकी क्या है? नहीं अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्ती वीडियो, यानी कि शॉपिंग वीडियो एक और ये शॉपिंग वीडियो जो है वो शादी वाली सीरीज़ की है। तो ये लास्ट शॉपिंग वीडियो है, इसके बाद मैंने आपके साथ इंशाल्लाह अपने ड्रेसेस शेयर करने हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में कोई एक आपको ड्रेसेस की वीडियो मिलेगी। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपने कर देना है इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो है वो मिल सकें। यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं हम। सबसे पहले अपनी अम्मी की सैंडल से ही मैं लेने के लिए आ गई थी बाज़ार, क्योंकि अम्मी बाहर आ नहीं सकती थी तो मैंने सोचा कि मैं जाके ले लूँ। मेरा और उनका पाँव ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा उनका भारी है लेकिन मेरा और उनका तकरीबन सेम जाता है। और ये मुझे बड़ी ही प्यारी लग रही थी। जो दूसरी वाली थी वो भी प्यारी थी बट ये वाली तो बहुत ही सुपर्ब थी, तो मैंने इसको फाइनल कर लिया और ले लिया। फिर उसके बाद हम आए चाइना मार्केट, और चाइना मार्केट से हमने मैचिंग लेनी थी वो देखी, और मैचिंग ढूंढना ना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगे मुझसे कि मैचिंग ढूंढना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम है अगर आप खुद कपड़े स्टिच करा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये वाइट वाले चिकनकारी टाइप ड्रेसेस ना बड़े अच्छे लग रहे थे, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है चिकनकारी से रिलेटेड, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। जब मैं आपको ड्रेसेस दिखाऊँगी ना तब बताऊँगी। तो खैर यहाँ से हमने वो फाइनल किया। फिर उसके बाद हम आ गए थे राबी सेंटर, क्योंकि हमारी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से हुई थी। और शादी किसकी हुई थी ये आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख लें, अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके लाजमी देख लीजिएगा। फाइनल प्राइस इसकी क्या है? सॉरी 3500 का। और यहाँ पर सबकी, चूंकि हमने ही शॉपिंग करनी थी, यानी कि अम्मी की भी अबू की भी सबकी हमने ही शॉपिंग करनी थी, जैसे अम्मी अबू अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, इस तरह हम अपने अम्मी अबू के लिए करते हैं। और खैर अब्बू जी की तो शादी के एक महीने के बाद डेथ हो गई थी, तो आप लोग भी उनको दुआ में लाजमी याद रखिएगा और उनकी मगफिरत की लाजमी दुआ कीजिएगा। अच्छा, अम्मी जी का सूट हो गया डन, और उसके बाद हमने लेना था आपी का ड्रेस, और उनको कोई भी सूट पसंद आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको कुछ चाहिए था कुछ डिफरेंट सा, लेकिन डिफरेंट उन्हें मिल ही नहीं रहा था। ऐसा ही कलर मेरा भी है बारात का, तो मतलब इस जैसा नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इसी तरह से ब्लैक काम हुआ हुआ है पर्पल के ऊपर, मैंने कलर पहले ही बता दिया आपको, लेकिन यार इतना तो चलता ही है। चलें उसके बाद हम आ गए थे ये नेक्स्ट शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और यहाँ पे ये बड़े मज़े के इस तरह के थे, लेकिन ये बहुत डल थे, लाइट थे, मतलब शादी के फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं थे। इसको आप किसी भी नॉर्मल पार्टी फंक्शन पे पहन सकते हैं मगर वेडिंग इवेंट पे नहीं पहन सकते थे, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। आप ही वॉज लाइक कि चलो गुजारा कर लेते हैं ले लेते हैं, बट मैंने कहा नहीं लेना। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे देखा सारा, और ये सारे दुपट्टे थे और इनमें शर्ट्स भी थी, था बड़ा प्यारा सा लेकिन बहुत लाइट था। भाई इन वाले झुमकों की क्या प्राइस है? नहीं बड़े बड़े झुमके, ओह माय गॉड, तो कानों में पहने बंदा तो कान ही पारी हो जाए। यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही थी, ले चुकी थी पहले ही, बट ऐसे ही देख रही थी कि क्या पता शायद कुछ और भी अच्छा लग रहा है। इतने प्यारे प्यारे लाहौरी टाइप झुमके थे ना, और ये मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं, छोटे में भी और बड़े में भी, तो बहुत मज़े के थे। ओह ये तो बहुत ही लाइट वेट है। आजकल इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये वाला क्या है? ये कॉटन वाला है, ये जो नीचे नीचे वाला।
तो आज के दिन में हमारे साथ खाला भी थी, उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी, तो इसी सेट के मुझे भी साथ लेके चलो। तो हमने कहा चले आ जाएं, क्योंकि हमारी चॉइस पे तो सबको बड़ा ट्रस्ट है, तो इसलिए हर कोई प्रेफर करता है कि हमारे साथ ही जाए। खैर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है ना। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है जब भी हम कोई नई चीज़, नए कपड़े पहनते हैं ना, तो पूरी फैमिली तकरीबन तारीफ करती है, क्योंकि आपको अच्छे से चीज़ को बनाना आना चाहिए, उसको पहनना आना चाहिए। चीज़ अच्छी भी हो अगर अच्छे से आपने उसको कैरी नहीं किया हुआ ना, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कपड़े को अच्छे से कैरी भी कर सको। 2500 का 3 पीस। और यहाँ पे ये पैरेट भी बैठा हुआ था इधर। पहले तो ये काफ़ी देर स्टिल बैठा रहा, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ये ओरिजिनल नहीं है, नकली वाला पैरेट इन्होंने रखा हुआ है, बट ये ओरिजिनल था। बस जैसे ही इसने मूवमेंट स्टार्ट की तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कैप्चर करती हूँ। बड़ा ही क्यूट, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, ग्रीन कलर का था और वो बोल भी रहा था। और हाँ, ये वाला ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इस तरह का मेरा भी है। और लेकिन ये वाला कलर नहीं है, कलर डिफरेंट है। और ये पिंक वाला ड्रेस भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं हाला को अपनी चॉइसेस बता रही थी कि आप ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, बट वो किसी बात पे आ ही नहीं रही थी। किसी को राज़ी करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ करके उनको एक अच्छा सा ड्रेस दिला ही दिया। उनकी अपनी चॉइस मेन सबसे आगे थी, क्योंकि जाहिर है इंसान को खुद को पसंद आएगा तो वो लेगा। और ये भी कलर, इसी ड्रेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स थे और ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, यूनिक सी चीज़ थी। वैसे शिफोन के ऊपर तो एम्ब्रॉयडरी और काम तो काफ़ी ज़्यादा इन होता है, बट ये डिफरेंट स्टफ था, रॉ सिल्क टाइप का था आई गेस, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा स्टफ था, बट इसी तरह का कुछ था। तो इसके ऊपर इस तरह से नेक लाइन बनी हुई थी और काफ़ी बड़ा मज़े का गला सा ना, नेक लाइन तो नहीं, गला पूरा बना हुआ था और साइड पे प्लीट्स थी। और ये आप पैरेट को चेक करें कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। वो चलता चलता आ रहा था और मैं जो है वो उससे दूर जाती जा रही थी। मेरे दूर दूर से ही उसको प्यार करना था, पास से नहीं करना था। खैर यहाँ पे हमने साड़ियाँ देखी, क्योंकि हमारा फुल माइंड था कि हम साड़ी रेडीमेड ही परचेज़ कर लें, बट वो बहुत एक्सपेंसिव जा रही थी, इसलिए हमने फिर स्टिचिंग करा ली। और ये जो पन्नी वर्क होता है ना, इसका ये था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए जी, वीडियो यहाँ पर एंड होती है, तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी वीडियो जल्दी से पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।